अरे यार, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया है। आ गया ग्राहक का मैसेज, में आ गया आ गया आ गया। हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज हमारा डिस्कशन होने वाला है मारुति एस्प्रेसो के बारे में। एएमटी वर्जन है ये। इस पे ऑलरेडी हमने एक सिटी माइलेज रन कर दिया है। वी विल कम टू नो हाउ दिस कार रिस्पॉन्ड्स ऑन बेटर रोड्स ऑफ नवी मुंबई। आज हम इसे सिटी में चलाएंगे और बताएंगे क्या ये वाकई में इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है या नहीं, क्योंकि एएमटी अगर आप लेते हैं तो आपकी ड्राइविंग मेजरली ट्रैफिक में होगी। सो लेट्स ट्राई एंड एक्सपीरियंस दैट इन अ लॉट ऑफ डिटेल, और मेरे अंदाज में आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी मुझे कैसे लगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम रचित हिरानी है और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप मिस करें काफ़ी सारे एक्साइटिंग न्यूज, रिव्यूज, कार कंपैरिजन, बाइक कंपैरिजन जो हम आप तक पहुँचाते हैं रोजाना, वो भी केवल हिंदी में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। किस बात के लिए रुके हैं आप? तो गाड़ी के अंदर अभी हम बैठ गए हैं। इसकी चाबी कुछ ऐसे दिखती है। इट्स अ बेसिक की, मतलब जाएगा अनलॉक लॉक का बटन्स है। सो यहाँ डाल दिए, अब हम सिटी में चलाएंगे। एंड काफ़ी लोग मुझे हमेशा पूछते हैं यार, ये म्यूज़िक सिस्टम गाड़ी का कैसा है और आप कौन से गाने प्ले करते हो जो कॉपीराइट फ्री है। सो बेसिकली हमने एक समथिंग वी हैव परचेस्ड ऑफ अ वेबसाइट जो मुझे कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक देता है, एंड वी जनरली प्ले म्यूज़िक फ्रॉम दैट। सो ये रहा वो स्टार्ट। अब लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड सम ऑफ द सिंपल फैक्ट्स अबाउट दिस कार। इसमें आपको जो मिलता है टच स्क्रीन सिस्टम। लेट मी नाउ नॉट प्ले द म्यूज़िक फर्स्ट, पॉज। हाँ, तो इस गाड़ी में जो टच स्क्रीन सिस्टम आता है उसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ नो रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं इस गाड़ी को। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, एयरबैग्स दो आते हैं ऑन दिस वेरिएंट जो मैं चला रहा हूँ। इट इवन गेट्स अ लॉट ऑफ फ्रिल्स ऑन इट। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये गाड़ी सिटी में कैसे परफॉर्म करती है, स्पेशली द एएमटी ऑन द एस्प्रेसो। तो देखते हैं कैसे है ये चलाने को, पर फिलहाल लेट्स लिसन टू द म्यूजिक। इसको दो स्पीकर्स हैं, ओनली टू, नॉट फोर, ओनली टू स्पीकर्स। तो दैट इज समथिंग वेयर आई एम नॉट रियली हैप्पी अबाउट, क्योंकि अगर आप टच स्क्रीन देते हो आई थिंक चार स्पीकर तो बनते ही हैं, एटलीस्ट फॉर द रियर पैसेंजर्स। और जो इसका विंडो है वो खोलने के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज़ अ लिटिल ऑफ इफ यू आस्क मी। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग एंड लिसन टू द म्यूजिक। थोड़ा मेहनत का काम है ये, क्योंकि यहाँ पे मेरे को म्यूज़िक जब वॉल्यूम मैं बढ़ा रहा हूँ तो मुझे या यहाँ से स्टीयरिंग से कर सकता हूँ, पर यहाँ पे मेरे को ऐसा नॉब नहीं है। आई हैव टू जस्ट कीप ऑन प्रेसिंग प्लस 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 माइनस 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 माइनस। तो ये थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है फॉर समबडी जिसको क्विकली म्यूज़िक का वॉल्यूम चेंज करना हो। टू मच हार्ड वर्क। सो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये गाड़ी फ़िलहाल मैं ओपन रोड पर चला रहा हूँ। नो स्ट्रगल बाय एनी चांस के यू नो पावर नहीं है, ऐसा कुछ फील नहीं आता है। बट वॉट आई डोंट लाइक इज़ रोड नॉइज काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है, क्योंकि गाड़ी की प्राइस भी वैसी ही है। मिरर्स जो हैं इसके, यहाँ पे मेरी कंप्लेन है कि ये मिरर का साइज़ एक्चुअली छोटा है। इट कुड हैव बीन थोड़ा और बड़ा, क्योंकि अगर ये बड़े होते तो थोड़ा वो ज़्यादा एसयूवी टाइप फील आता, एटलीस्ट फॉर दैट मिनी एसयूवी सेगमेंट। प्लस आपको ज़्यादा बेटर व्यू मिलता। अब ये नहीं कह रहा कि इसमें व्यू नहीं है, आई एम जस्ट टॉकिंग प्योरली फ्रॉम दैट लुक पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, मैं ये कंप्लेन नहीं करूँगा कि इसको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि प्राइस इस गाड़ी की उतनी है नहीं। बट आई स्टिल फील दिस सीम्स टू बी एन इंटरेस्टिंग पैकेज। इंजन रिस्पॉन्स जो है टू ओवरटेक इज गुड। एएमटी थोड़ा स्लगिश है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट रियली हैव कंप्लेंट्स अबाउट इट। कंफर्टेबल गाड़ी है, लग रही है अभी तक तो मुश्किल से कुछ 5-6 किलोमीटर किए मैंने। अब सिटी ट्रैफिक में जाएंगे तो पता चलेगा कि असल में गाड़ी कैसे चलती है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस अहेड, और म्यूजिक सुनते हैं।
और अभी हम sort of bad road पे चला रहे हैं यहाँ पे, बिना किसी problem के जा रही है गाड़ी, थोड़े खड्डे तो महसूस होंगे यहाँ पे, गड्ढे जो हैं, but it's okay, not bad. इंटरेस्टिंग रोड चलाने के लिए. इसको जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसका क्लियर बेनिफिट यहाँ उठता है. और हॉर्न इस गाड़ी का, एक्चुअली मैं हॉर्न ज़्यादा बजाता नहीं हूँ, पर ये हॉर्न इज ऑफ नो यूज टू बी वेरी फेयर. रुक गया ये, फिर चल गया, उसको पता नहीं चल रहा मैं हॉर्न बजा रहा हूँ शायद. अरे रे 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 रे. और ए एम टी इज गुड, ज़्यादा जर्की फील नहीं होता ऐसा सिटी में चलाने को इतना, बट हाँ थोड़ा बहुत लैग तो है ए एम टी में इसमें, बट उसके अलावा मेरा ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है अभी तक तो, क्योंकि ज़्यादा चली नहीं है गाड़ी. और अब पता चलेगा असली टेस्ट, क्योंकि आगे इतनी ट्रैफिक है जो गूगल मैप्स में अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इट्स जस्ट पैक्ड. तो कम से कम 1-2 किलोमीटर कम से कम आगे फुल ट्रैफिक में जाने वाला हूँ मैं, और लोग घूर घूर के गाड़ी को देख भी रहे बिकॉज ऑफ इट्स कलर. सो काफ़ी लोग एक्चुअली रुक रुक के देख रहे थे इस गाड़ी को. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ज़्यादा ऐसा क्लिप्स नहीं है कि पीपल स्टॉपिंग एंड लुकिंग एट इट, बट या दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस कार अभी तक. इस गाड़ी को जब मैं सिटी में चला रहा हूँ, फाइनली व्हेन वी हैव एंटर्ड मुंबई सिटी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, वेरी इजी टू मूव अराउंड. और जो लेन्स चेंज करने हैं अगर आपको, इफ यू आर गेटिंग लेट, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, इट मेक्स इट वेरी इजी. विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छा, आपको अगर वो बॉनेट का एज देखना है वो भी क्लियरली दिखता है इसमें, जस्ट लाइक एनी हाई कार. एंड ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था कि इसमें ऐसा कमांडिंग पोजिशन मिलेगा. अभी मैं नहीं बोल रहा कि स्कॉर्पियो जितनी ऊँची है, बट यू डेफिनेटली गेट अ कमांडिंग व्यू. और जो विजिबिलिटी है गाड़ी की ऑलराउंड वो काफ़ी अच्छी है, सो नो कंप्लेंट्स ऑन दैट पार्ट. हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर समथिंग आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और ये अगर सेंटर में रहते इधर तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, वरना पूरी गाड़ी देखती है कि मैं क्या स्पीड पे चल रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ. सो दैट इज समथिंग आई एम पर्सनली नॉट अ बिग फैन ऑफ, और दैट्स व्हाट आई लाइक टू से सो फार. थोड़ा अभी फ्री वे आएगा तो आई हैव दैट बाउंसी रोड, एक पैच है जहाँ पे बाउंसी होएगा, तो मुझे पता चलेगा कि ये खराब रास्तों पे आखिर में कैसे चलती है. नाउ लेट्स गेट ऑन द ईस्टर्न फ्रीवे, क्योंकि हम जा रहे हैं टूवर्ड्स लोअर परेल. हम ईस्टर्न फ्रीवे पे दो रीजंस पे आए, एक क्योंकि ये रोड पड़ता है ऑन द वे, और सेकंड यहाँ पे एक पैच है जो बाउंसी है जो अभी हमने हो किया है. अब ऑनेस्टली मैं आपको बोलूँ, इस गाड़ी में आपको स्टिफनेस फील होती है, और आपने खुद ही देखा अभी क्या बाउंस हुआ. आई एम नॉट डूइंग लाइक 100-120, मैं 50-60 कर रहा हूँ, विच इज़ द स्पीड लिमिट ऑन दिस रोड. सो उस हिसाब से थोड़ी बाउंसी है, बट अगर आप कंपेयर करेंगे टू द फैमिली विच इज़ ऑल्टो, वहाँ पर ये उससे ज़्यादा बेहतर है इन ड्राइव. सो ये गाड़ी का ड्राइव इज़ बेटर, खड्डे इतने महसूस नहीं होते, होते हैं बट नॉट लाइक अ लॉट. हाँ, मैं आपको ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इसमें बॉडी रोल डेफिनेटली एविडेंट है इस गाड़ी में. सो जब हम चलते हैं तो थोड़ा ज़्यादा जोर से टर्न किया, यू फील दैट थिंग.
हमने गाड़ी काफ़ी चला ली लोअर परेल, जो मुंबई का एक बहुत ही क्राउडेड जोन है, बाइकला, एल्फिनसन रोड, काफ़ी सब जगहों पे चला गया। एंड आई एम जस्ट गोना से वन थिंग कि सिटी में चलाने को काफ़ी स्ट्रेस फ्री है, पर वो जो इनिशियल आपको पुश चाहिए ना, वो ओवरटेक करने के लिए किसी को या यू नो फाइन घुसने के लिए कहीं पे, वो चीज़ में एएमटी थोड़ी चूक जाती है, क्योंकि एक तो रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो आता है इन द इनिशियल बिट, और साथ में जब आप यू नो व्हेन यू वांट टू ब्रेक, तो वो ब्रेकिंग में भी थोड़ा सा वो लैग है क्लियरली यहाँ पे। सो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स मैं ये कहूँगा कि यार थोड़ी और बेटर होती ना गाड़ी, मज़ा आ जाता था, बट मैनुअल इसका ज़्यादा बेटर रहेगा टू ड्राइव। ये सेम ऑल्टो वाला इंजन है और वैगनार में भी यही इंजन आता है, सो इट्स अ वेरी गुड इंजन। जब आप कहीं आइडल पे रुके, मतलब ट्रैफिक या कहीं सिग्नल पे, तब आपको इसके वाइब्रेशंस भी फील होते हैं, सो दैट्स अगेन वन डाउनसाइड ऑफ द कार। अब बात करते हैं टूवर्ड्स द एंड स्टोरी ऑफ दिस कार। चलाने में काफ़ी अच्छी है फॉर डेली ड्राइविंग, और विजिबिलिटी भी अच्छी है ओवर द ऑल्टो, मच बेटर पिक। माइलेज ऑन पे मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाया, जस्ट गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। इन शॉर्ट आपको बताऊँ ये गाड़ी कैसी है, ड्राइव इसका बहुत अच्छा है, पर जब आपको सिटी ट्रैफिक में चलाना है, लेट्स से विद इन टाइट स्पेसेस, और आपको एक से दूसरे लेन जाना है, तो एएमटी का रिस्पॉन्स थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। सेकेंड थिंग ये भी है कि जब आप लेन चेंज करते हो और आपको ब्रेक दबाना है, तो आपको थोड़ा वहाँ पे ब्रेकिंग में भी लैग विजिबल है। मेरे हिसाब से मैनुअल वहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगी, और ये इंजन जो है इज फैंटास्टिक टू ड्राइव अदरवाइज। एएमटी के शिफ्ट्स अदरवाइज जब आप हाईवे पे चलाते हैं या वन से और जस्ट मूविंग अबाउट 10-20, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और चलाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। विजिबिलिटी गाड़ी की अच्छी है। माइलेज पे मैंने हम लोग ने एक स्पेशल वीडियो बनाया, वो जाके देख लीजिए, लिंक हम छोड़ रहे हैं इन द एंड एनोटेशन में, वो ज़रूर जाके देखना, और हमें ज़रूर बताइए व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस काइंड ऑफ कंटेंट इन टर्म्स ऑफ वीडियो। क्या ऐसे वीडियोज़ आपके काम आते हैं अगर सिटी ड्राइव पे हम वीडियोज़ आपके लिए बनाए, क्योंकि दिस कार इज़ मेड फॉर सिटी। मतलब आप ये गाड़ी लेके एएमटी लेके यू आर नॉट गोइंग टू बी मेजरली ड्राइविंग ऑन द हाईवे, आप सिटी में ही चलाएंगे ज़्यादा। सो That's all I would like to say right now. Comments important है, इतना वीडियो देखा है, लाइक तो बनता है, and yes, सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ, टेक केयर, ड्राइव सेफ।